नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। आज जो सुबह से मैं अभी मेरा व्लॉग भी दुकान से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से मैं दुकान में बैठी, तो अभी जो फिलहाल मैं नहाकर वगैरह आई हूँ और फिर से जो दुकान में आ गई, क्योंकि अभी मेरे बाबा जो खेत में गए हैं, तो बाबा जब खेत से आए तब तक जो है मैं दुकान हमें ही सामान नहीं है, तो अभी फिलहाल मैं दुकान में हूँ। तो अभी जो गिराई गाते हैं उनको सामान वगैरह देना है, तो अभी मेरा नहाकर मेरा रेडी हुआ है, अभी खाना वगैरह मेरा बाकी है। तो चलिए आज के व्लॉग को हम कंटिन्यू करते। बेसिकली कल जो पोला था और आज का जो दिन होता है, इसे जो है कर के नाम से कहा जाए। कैदू दे रहा पड़ा पत्ता सनी सनी बाबू। सो जैसे आपको बताया कि मुझे दुकान में बैठना था, तो अभी दुकान में जो हमारे दोनों छोटे छोटे से गिराई गए थे, उन्हें जो है ब्लेड चाहिए था, यानी कि उनके पापा को या फिर उनके भैया को जो है शेविंग करनी होती। तो बेसिकली आप जब देखेंगे गांव में जो लोग जो है बाहर नहीं जाते शेविंग करने के लिए, सैलून नहीं जाते, वो बेसिकली घर पर ही जो है अपना खुद ही मतलब शेविंग वगैरह कर लेते, चाहे जो है हमारे रेजर से को या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक जो रेज़र मिलता है उससे को, या फिर ये इस तरह के जो ब्लेड्स आते हैं उस ब्लेड से को, वाकई घर पर ही कर लेते। वो जो है बाहर जाना बहुत ही कम पसंद करते, गाँव में आपको अक्सर देखा ही होगा। सो इसे जो है अभी और फिर से 1 रुपये दिया था इसने, तो इसे चॉकलेट भी चाहिए थे साथ में, और इसे जो है उसकी 10 के नोट की, तो उसे कॉइन भी वापस करने थे, रिटर्न करने थे, तो उसके कॉइन रिटर्न किए। और दूसरे वाले बच्चों को यानी कि भोला को जो है उसकी जो चॉकलेट चाहिए थी जो उस कॉइन की, तो उसे जो है उसे कॉइन की जो है मैंने चॉकलेट उसे दे दिए। सो फिलहाल जो फिर मैं जैसे बाहर आई दुकान से, तो यहाँ पर देखिए मेरी दादी और मेरी बड़ी मम्मी के सर पर आपको पल्ला दिखाया होगा, तो यहाँ पर देखिए ये बैल राजा जो अभी जाने वाले हैं खेत में चरने के लिए बेसिकली। सो जो कल तो ये इतने अच्छे दिख रहे थे, आज भी जो है इतने प्यारे से दिख रहे हमारे बैल राजा, फिर भी ये जो अभी खेत में जा रहे चरने के लिए, क्योंकि अभी जो है मतलब सुबह का समय का मतलब 10 बज चुके हैं अभी फिलहाल। सो उसके बाद जो है मैं आई, फिर मेरा खाना वाना होने के बाद जो मैंने पिछले कई ब्लॉग में बताया था कि मैं जब भी घर पर आती हूँ मैं भगवत गीता जरूर पढ़ती हूँ। सो मेरे भी मेरे कुछ पन्ने बाकी थे भगवत गीता पढ़ने के, तो मैंने फिर से मेरे जहाँ पर से मेरा पन्ना बाकी था मैंने वहाँ पर से जो है मेरी भगवत गीता पढ़नी जो है स्टार्ट की। जिस पन्ने पर मैंने भगवत गीता मतलब मैंने छोड़ी थी पिछली बार अध्याय पढ़कर, उस पर जो है मैंने वहाँ पर जो एक थ्रेड मार्क या बुक मार्क कह सकते हैं वो मैंने डाल दिया, तो फिर मैंने वहाँ से ही हमारे फिर से जो है भगवत गीता पढ़नी स्टार्ट की। अगर आप भी कभी कभार भगवत गीता पढ़ते तो मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि आप में से कौन कौन से लोग जो है भगवत गीता पढ़ते। बेसिकली मैं जब भी घर पर जाती हूँ तो भगवत गीता पढ़ती हूँ। सो उसके बाद जो है हम जाने वाले थे धामनगांव देव, जो वहाँ पर जो है हमारे बंजारा समाज का ज्वारा जो होता है वो अभी ख़त्म होने वाला था, तो आज उसका फंक्शन था, उसके लिए जो हम इतने सारे लोग जो निकल पड़े। उसके बाद हम फाइनली पहुंच गए धामनगांव। तो ये है पूरा बेसिकली धामनगांव, जिन लोगों ने धामनगांव देखा होगा तो आपको पता ही होगा ये जो है एंट्रेंस गेट है हमारे धामनगांव का। तो चलिए अभी हम जो है फिलहाल ऊपर चलते हैं मंदिर में जो है दर्शन कर आते हैं। तो ये हमारा मेन दरबार मूसा जी महाराज का, तो वहाँ पर अभी ऊपर चलते हैं, सीढ़ियों से हमें ऊपर जाना है अभी फिलहाल। सो चलिए चलते हैं और दर्शन करवाते हैं आपको जो है मूसा जी महाराज के। तो चलिए फिलहाल चप्पल निकाल लेते हैं और ऊपर चलते हो। तो जैसे बेसिकली हम एंटर करेंगे दरबार में, तो कुछ इस तरह का पूरा व्यू नज़ारा आपको देखने को मिलेगा पूरा का पूरा मतलब। तो इस तरफ जो है शिव जी का मंदिर है स्टार्टिंग में ही, और पूरा ऐसा ही हमारा दरबार। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये है मूसा जी महाराज का जो है एंट्रेंस गेट, आप देखते हैं दोनों तरफ से आपको एंट्री मिलती है। और इस तरफ से जो है नीचे जो है भुयारी घर है, और ऊपर जो है राम लक्ष्मण जी की प्रतिमा यानी कि मूर्ति स्वरूप है। तो चलिए अभी फिलहाल हम अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर भी आज बहुत काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि हर त्यौहार में यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग जाती है। तो यहाँ पर बाहर पर भी एक मूसा जी महाराज की प्रतिमा यहाँ पर रखी गई है, जो कि हमारे गांव के एक आंटी ने वहाँ पर दी थी। तो यहाँ पर देखिए मूसा जी महाराज, तो चलिए आपको पास से दिखा देती। तो ये है बेसिकली हमारे मूसा जी महाराज की प्रतिमा, जो को भी कहीं दर्शन करने के लिए नहीं आई है तो दर्शन कर लीजिए आप सभी। तो ये है मूसा जी महाराज की प्रतिमा, जो कि बंगड़ी यानी कि जो झूला होता है उसके ऊपर रखी हुई है। उनके सामने गणेश जी है और उनकी सारी जो चीज़ें वहाँ पर रखी गई है, और जो है हमारा झूला है, झूले के नीचे आप देख पाएंगे एक जो है शतरंज डाली गई। बेसिकली कहते हैं शतरंज की जैसे जैसे ऊपर आ रही वैसे जैसे मूसा जी महाराज ऊपर आते जा रहे हैं, ऐसी इसकी कहा स्टोरी है। तो अभी हम तो मानते हैं, तो आप लोग में से किसी को पता है ये स्टोरी। तो यहाँ पर देखिए फिर से अभी हम बाहर आ गए, तो चलिए अभी फिलहाल दर्शन कर लेते हैं हमारे बाहर के भी मूसा जी महाराज की प्रतिमा की। सो ये इस तरफ से देखेंगे हम फ्रंट, तो इस तरह से मूसा जी महाराज का पूरा व्यू दिखता है मंदिर। और इस तरफ से आप आएंगे तो ये है हमारे गणेश जी की इतनी बड़ी प्रतिमा। तो ये गणेश जी किसी ने स्थापना की थी, मगर वहाँ पर इसको विराया नहीं, मतलब इसे पानी में डाला नहीं और यहाँ पर ला कर रख दिया, तब से ये गणेश जी जो है यहाँ पर ही स्थापित है हमारे मूसा जी महाराज के जस्ट अपोजिट साइड की तरफ से।
ये देखिए मूसा जी महाराज का मंदिर, और ये है हमारे गणेश जी जहाँ पर अभी स्थापना हुई है। तो ये है इतने हमारे बड़े गणेश जी, यहाँ पर देखिए प्रथम पूजनीय हमारे श्री गणेश। तो यहाँ पर देखिए ये है एंट्रेंस में, आपको जैसे बताया था अभी शिव जी का मंदिर, छोटा सा शिव जी का मंदिर। तो चलिए अभी नीचे चलते हैं, फिलहाल हम जिस फंक्शन अटेंड करने के लिए आए। तो देखिए कितनी सारी भीड़, कितनी सारी गर्दी है यहाँ पर, बहुत ही मात्रा में यहाँ पर भीड़ और गर्दी है। तो चलिए अभी फिलहाल हम नीचे चलते हैं। सो वहाँ पर अभी फंक्शन जो है स्टार्ट भी हो चुका होगा, क्योंकि अभी जो है थोड़ी थोड़ी जो है डफड़े की आवाज़ आती है। तो ये है हमारा बेसिकली मेन मूसा जी महाराज का मेन दरबार। तो इसके पीछे भी हमारा एक मंदिर है, तो अभी हम बाहर नहीं जाने वाले, कभी अब आपको कभी कभार हम लेकर चले जाएंगे। तो फिलहाल याद है कि सारे की सारे जो है मतलब काकू यहाँ पर आ चुके हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर तो डांस भी शुरू हो चुका है। बेसिकली ये जो डांस कर रहे हैं हमारे बंजारे समूह का फोक सॉन्ग है, और इसी तरह से जो इसे डांस किया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो बेसिकली सारी जो काकू है यहाँ पर डांस कर रही है, और इसी तरह से और अलग अलग तरह से इसे जो डांस किया जाता है। अलग अलग तरह के फोक सॉन्ग्स होते हैं जो कि मुझे भी बहुत सारे पता नहीं है। तो अभी यहाँ पर हम एरिया में ऊपर जो है अभी हम आए हैं, तो अभी दर्शन कर लेते तीज माता के और कृष्ण भगवान के। तो यहाँ पर चेयर पर जो है कृष्ण भगवान रखे गए, और यहाँ पर जो बेसिकली पूजा चल रही है अभी पूरी तीज की। जैसे मेरे पिछले ब्लॉग में आपको बताया कि जैसे हम रखते वहाँ पर जो पूरी पूजा चलती है, तो उसी प्रकार से फिर से यहाँ पर जो है अभी सभी तीज की जो है पूजा चल रही है। आप यहाँ देख पा रहे बाहर देखे मेरी दादी और मेरी बुआ दोनों बैठे हुए हैं, जो यहाँ पर डांस शुरू है हमारा बंजारा फोक सॉन्ग के गानों के ऊपर, वो का लुत्फ उठा रहे मेरी बुआ और वो। तो इस तरह से देखिए आप सामने उनके सामने जो यहाँ पर पूरा डांस शुरू है, तो उसका जो भरपूर लुत्फ उठा रहे। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कितनी छोटी छोटी गर्ल्स, बड़ी गर्ल्स, मतलब सभी जो है इतनी प्यारी लग रही है और इतनी उत्साह से जो ये डांस कर रही है, तो क्या ही बताएं, मतलब बहुत ही ज़्यादा उत्साह से डांस कर रही है। तो चलिए अभी ऊपर चलते हैं जहाँ पर डांस है, उसके ऊपर जो अभी फिलहाल जो है राम मंदिर बना है नया वाला। तो ठीक उनके सामने है हमारे गणेश जी प्रथम पूज्य। गणेश जी का मंदिर तो होता ही होता है, किसी कोई भी मंदिर हो ना प्रथम पूज्य गणेश जी का आगमन होता ही है। तो ये है हमारे सियापति रामचंद्र। तो इसी बात पे हो जाए जय श्री राम। सो ये है हमारा राम मंदिर जो कि अभी फ़िलहाल हाल ही में बनाया है, जो हमारा जब मूसा जी महाराज का मंदिर है नीचे, तो उसके ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पर ये मंदिर अभी फ़िलहाल बना है। यहाँ पर मूर्ति की पूरी स्थापना हुई है। तो चलिए फिलहाल अभी नीचे चलते हैं। सो अभी मैं और मेरी दादी आए थे ऊपर दर्शन करने के लिए बेसिकली, तो अभी जो है फिलहाल हम नीचे चलते और फिर से जो है हमारे फंक्शन का लुत्फ उठाते। तो इस सीढ़ियों से हम जो ऊपर गए थे, और जैसे फिर से जो है मूसा जी महाराज का ये दरबार पाना दिखेगा। और ये मूर्ति के सामने ठीक हम जो है हॉल में है, और हॉल के ठीक सामने जो है अभी फिलहाल फंक्शन शुरू है हमारी तीज का। तो अभी हम हॉल से बाहर जा रहे थे क्योंकि अभी हमें बुआ के घर जाना है। तो चलिए अभी फिलहाल चलते हैं हमारी बुआ के घर पर, चाय वगैरह पानी वगैरह पीते हैं, और थोड़ा सा जो है बुआ से घर पर जाकर बातें करके आते हैं। काफ़ी दिनों के बाद आए हैं, तो यहाँ पर जो अभी फिलहाल बुआ के घर पर जाना है हमें। तो सभी सब मेरी बुआ, मेरी भाभी, मेरी बड़ी आई यानी कि मोटाई, और मैं दादी, हम सब जो है अभी फिलहाल बुआ के घर पर जा रहे हैं, यानी कि मेरी फूफू के घर पर जा रहे हैं। बेसिकली हमारे इसमें बुआ नहीं फूफू कहते, तो हम फूफू के घर पर जा रहे हैं मेरी। तो चलिए चलते हैं अभी उनके घर पर, काफ़ी दिनों के बाद मैं बेसिकली जाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत समय हो गया। तो मैं जब भी धामनगांव आती तो फिर से दर्शन करती हूँ बुआ के घर पर जाना, मतलब फूफू के घर पर जाने नहीं होता। तो ये है गलियाँ जहाँ पर हमें जाना है। तो पहुँच गए अभी मेरे फूफू के घर पर। तो अभी पहुँचते गए तो थोड़ा चाय वगैरह किया, बातें की, उसके बाद हम निकल पड़े फिर से घर पर आने के लिए, क्योंकि अभी बादल आ रहे तो ऐसा लग रहा था कि बारिश हो जाएंगी। तो इस वजह से हम जो है निकल पड़े। तो इस तरफ से देख सकते हैं भक्ति सागर, जो कि अभी फिलहाल बनकर रेडी हो चुका है पूरा हमारा भक्ति सागर मूसा जी महाराज का। अगर आपको अभी विजिट करोगे तो देखिएगा जरूर, हमारा पूरा भक्ति सागर यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। आप जैसे देख पा रहे होगे पूरे ब्लॉग में, तो ये देखिए इस तरफ से पूरा का पूरा भक्ति सागर। और देखिए हम कितने सारे लोग जो है पूरा का पूरा मतलब फंक्शन अटेंड करने के लिए आए थे, तो हमें काफ़ी खुशी हुई इस फंक्शन को अटेंड करके, हमें काफ़ी अच्छा लगा अभी पूरा का पूरा। सो ये देखिए हमारे साथ काफ़ी छोटे बच्चे भी आए थे, यानी कि मेरे दादा के लड़के भी साथ में थे हमारे। तो हम जो है पूरा फंक्शन अटेंड कर अभी बरसात हो इसके पहले जो हमें घर जाना था इसलिए निकल पड़े। सो ये है बेसिकली हमारा भक्ति सागर। तो देखिए आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। सो वहाँ पर है हमारा जो है एंट्री गेट। तो एंट्री गेट से लेकर जो है हमारे दरबार की तरफ जाते हैं उसने वहाँ तक, मतलब इतना बड़ा पूरा का पूरा हमारा भक्ति सागर है। सो यहाँ पर दुकान वगैरह है, और इतने सामने जो गार्डनिंग की हुई है कितनी अच्छी, और कितने प्यारे प्यारे फूल्स वगैरह लगाए गए। अंदर की तरफ भी गार्डनिंग की है, काफ़ी प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से फूल लगाए गए। सो हम घर जा रहे, तो मेरे दोनों भाई, मतलब भाई के दोनों बेटे यहाँ पर ऊपर चढ़ रहे थे छोटी छोटी सी रस्तों के ऊपर, यानी कि जो पिलर्स होते हैं बीच में उसके ऊपर। तो ये है हमारा एंट्री गेट। तो चलिए आपको फिर से दिखा देते हैं। तो ये है मेन एंट्री गेट हमारा मूसा जी महाराज के दरबार की तरफ जाने का, यानी कि मेन एंट्री गेट। तो यहाँ पर देखिए कुछ बंदर हमें रस्ते से दिख रहे थे, इतनी मस्ती कर रहे थे, पेड़ों के ऊपर दौड़ रहे थे, रस्ते से नीचे इधर उधर जा रहे थे, गाड़ी से आवाज सुनकर इस पेड़ से उस पेड़ पर चल रहे थे।
काफ़ी सारे मस्ती कर रहे थे ये सारे के सारे बंदर अभी नीचे बेसिकली। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों जो है महाशेर चल रहे हैं बंदर की तरफ, तो इन्हें देखकर बंदर जो उछल पड़े पेड़ के, और ये एक बंदर यहाँ पर इस तरफ से खड़े थे तो ये हमें भी देखकर जो है शर्माने लगे, और जो ऐसा लग रहा था कि हम उनके पास जाएंगे तो वो पीछे पीछे जो है सरकते हुए जा रहे थे, और काफ़ी आगे भी काफ़ी सारे बंदर थे तो हम जो है बंदर देखते ही आगे जो है जा रहे थे घर पर। सो फिलहाल तो यहाँ पर देखिए आप मेरे पीछे कितनी सारी हम लोग आ रहे हैं। उसके बाद घर पर आए ही थे तो आज हमारा जो इंडिया का मैच है बांग्लादेश की तरफ, तो मेरे बाबा जो मैच देख रहे थे बैठे बैठे, और ये फर्स्ट विकेट गिरी थी तो मैं भी यहाँ पर मैच देख रही। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट व्लॉग में।